टॉप 10 के स्पॉन्सर हैं कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए जानेंगे 22 मई की टॉप 10 न्यूज। मस्जिदुल हराम खाने काबा में खुतबे के दौरान इमाम पर हथियार के बल हमले की कोशिश, अहराम बांध उस शख्स को मिंबर के करीब मौजूद सिक्योरिटी हुकाम ने फौरी तौर पर काबू में करते हुए कर लिया गिरफ्तार। हरमैन शरीफैन हुकाम ने कानूनी कार्रवाई कर दी शुरू। भारत में तूफान टॉक्टे की तबाही के बाद अब एक और समंदरी तूफान से निमटने बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी। वेस्ट बंगाल को अब एक और तबाहकुन तूफान यास का सामना। NDRF की टीमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में की गई तैनात। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये तूफान 26 मई को उड़ीसा और बंगाल में आने का इम्कान। गुजरात में हालिया ज़बरदस्त तबाही मचाने वाला तूफान टॉक्टे, तूफान ने दुनिया के वाहिद एशियाई शेरों के जंगल को भी नहीं बख्शा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर ने बताया, एक शेरनी और चार काले हिरन की लाशें मिली। महकमे जंगलात पर लगे हकीकत छुपाने के इल्ज़ाम। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस से निमटने के लिए भी पीएम मोदी ताली थाली बजाने का करते ही होंगे ऐलान। राहुल गांधी की मोदी हुकूमत पर ट्वीट की तनकीद, कहा मोदी सिस्टम की नाखस हुकुमरानी के सबब कोरोना महामारी के दरमियान वैक्सीन की कमी तो है ही और अब इस नई वबा के अद्वियात का भी है बहरान। भारत में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जारी, कई रियासतों में वैक्सीन की किल्लत की भी खबरें मौसूल। इसी दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा, वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी कई उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन की मंजूरी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस की गुंडागर्दी, सब्जी बेचने वाले 18 साल फैसल हुसैन से पुलिस अहलकारों ने की मारपीट। पुलिस की पिटाई के बाद फैसल की हुई मौत। फैसल के अहल खाना ने लाश के साथ रोड पर एक ज़बरदस्त एहतजाज किया और मुजरिम पुलिस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कनाडा की हुकूमत ने किया लॉकडाउन को मजीद एक्सटेंड। CM BS येदियुरप्पा ने लॉकडाउन को 7 जून तक एक्सटेंड का लिया फैसला। कर्नाटक के CM ने बताया, म्यूकोर म्यूकोसिस और ब्लैक फंगस के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा फराहम। तेलंगाना में लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से कराया जाए अमल, CM KCR के अहकाम मुसलसल जारी। DGP महेंद्र रेड्डी तमाम इजला कलेक्टर्स और पुलिस अफसरान को दी हिदायत, लॉकडाउन से मुतालिक गाइडलाइंस और पाबंदियों पर सख्ती से अमलावरी को बना यकीनी। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की कल शब आई वार्निंग के बाद खुद कमिश्नर अंजनी कुमार पहुंचे चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी। घरों से बाहर निकलने की वजह की जा रही दरियाफ्त। पास और इजाज़त के बगैर बेवजह बाहर निकलने वालों की गाड़ियां की जा रही सीज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार की भी वार्निंग, लॉकडाउन के दौरान नामुनासिब वजूहात की बिना पर घरों से ना निकले बाहर। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी पुलिस की मुहिम जोरों से जारी। बड़े पैमाने पर गाड़ियों की ली जा रही तलाशी, 50 से ज्यादा गाड़ियों को किया गया सीज। BBN टॉप 10 न्यूज़ की ये थी आज की 10 अहम खबरें। नए यूज़र्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए और देखते रहिए BBN चैनल।